मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरगामी सोच है मिशन 2030। यह सही मायने में सीएम गहलोत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनकी परिकल्पना और जनता से मिले सुझावों से राजस्थान की प्रगति अब 10 गुना बढ़ेगी। 22 अगस्त को सीएम गहलोत ने जयपुर से इस अभियान की शुरुआत करके विजन 2030 लॉन्च किया और एक ऐप के जरिए और सार्वजनिक मंच से लोगों को सुझाव देने के लिए कहा। मिशन 2030 के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया गया। सीएम ने जिलों में जाकर मिशन 2030 के सुझावों पर सभाएं और सम्मेलन किए। 2030 में राजस्थान कैसा हो और विकसित राजस्थान बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर लोगों से सुझाव मांगे गए। जनता से जाना कि उनके सपनों का राजस्थान 2030 तक कैसा हो। इस कड़ी में जन जन की ओर से करीब 3,32,00,000 सुझाव मिले। फिर सीएम गहलोत की मौजूदगी में तैयार डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया। देश में आपको मालूम है उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर में राजस्थान नंबर 1 पहुंच गया। आर्थिक विकास दर का नंबर 1 बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। पहले आंध्र प्रदेश, दूसरा हमारे 11.04% GDP है। इन 5 साल में हमने 6,00,000 करोड़ की GDP बढ़ाई है। मिशन 2030 अभियान के सियासी मायने भी कई हैं। सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2030 के लिए जनता से सुझाव लेने के लिए अभियान चलाने के साथ इसका खूब प्रचार प्रसार किया। गहलोत ने हर वर्ग के लिए सभाएं की। इन सभाओं में मिशन 2030 पर बात करने के अलावा बीजेपी पर भी खूब सियासी वार किए गए। इस कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के एक एक आरोप का जवाब देकर पलटवार किया। सीएम गहलोत ने कहा कि लाल डायरी को लेकर ऐसा षड्यंत्र किया जो फ्यूज हो गया। बकायदा बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर षड्यंत्र रचा गया। साथ ही 5 साल तक मेरी सरकार को डिस्टर्ब रखा गया। यहाँ ये सरकार गिराने में सफल नहीं हुए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया। ये चुनी सरकारें गिरा रहे हैं, फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? आने वाले वक्त में चुनाव करवाना चाहते हो या नहीं? प्रधानमंत्री जी की जो अप्रोच है उसको मैं उचित नहीं मानता। जिस रूप में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं देश भर के उद्घाटन करने के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को इन्वॉल्वमेंट नहीं, रेलवे का हो चाहे वो न्यूज लाइब्रेरी का हो, अगर वहाँ की सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ता है, अच्छा लगता है, खाली फॉर्मेलिटी करते हैं वो, 1 दिन पहले इतना हो जाएगी, 2 दिन पहले इतना हो जाएगी, और क्या करेंगे वहाँ 200 लोग बैठा देंगे और बाद में पॉलिटिकल मीटिंग करने चले जाएंगे। देख मुख्यमंत्री दूर जाएगा मान लो, और वो जाके मतलब 20 मिनट के लिए वहाँ क्या करेगा बताइए आप? और चुनाव का भी तो कैंपेन शुरू हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी कैंपेन लिए आए, हमेशा आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका अधिकार है। पर ये सरकारी प्रोग्राम कर करके 8-6 हज़ार करोड़ उन्होंने कहा मैंने शिलान्यास कर दिए, उद्घाटन कर दिए, वो करते रहते हैं, काम पूरे होते नहीं है, नेताजी बने नहीं उसके पहले, उद्घाटन बिकाने में कर दिया आकर के। और दूसरा उन्होंने 6 हज़ार किया, मैंने 12 हज़ार करोड़ किया। बात यह है तो कहने का मतलब यह कि प्रधानमंत्री जी की अप्रोच जो है वो बिल्कुल ही चुनावी मोड के अंदर है। वो खाली आपको मालूम है, मैंने सुना है, पता नहीं सच्चे की गलत है, वो खाली प्रधानमंत्री अकेले जाएंगे आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो तेलंगाना के अंदर, कोई मंत्री जूत नहीं हुआ और मंत्रियों जूत नहीं है। वो मैंने सुना है, हो सकता है गलत भी हूँ मैं, उनको कह दिया गया भाई आप लोग बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले घूम लूँगा सब जगह। ये अप्रोच उनकी उनकी पार्टी का मामला मैं कैसे बोल सकता हूँ? मुझे तो कल किसी ने कहा कि साहब फैसला हो गया बीजेपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आए वो, पर ऐसी बात तो कहे जो यहाँ की सरकार ने जो 5 साल काम किए हैं या तो उसकी कमियाँ बताए वो, कोई आपने ये कानून पास ठीक नहीं किया, तथ्य बताए, आप तथ्य के आधार पर हमारी आलोचना करो, जवाब देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा राज्य को मजबूत करने की ड्यूटी केंद्र की है, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारी सरकार को डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र ने 76,000 करोड़ रुपए फंड कम कर दिया। हमने 5 साल संघर्ष किया है। राजस्थान के लोगों का मेरे और पार्टी के प्रति प्यार और विश्वास है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा हमने बीजेपी की योजनाओं को बंद नहीं किया। ERCP बीजेपी की योजना थी, उसे हमने आगे बढ़ाया है।
केंद्र ने मध्य प्रदेश को भड़काकर ERCP के तहत बांध बनवाने का काम रोकने की कोशिश की। सीएम गहलोत ने कहा, हम वसुंधरा राजे के समय की स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका झगड़ा वसुंधरा राजे और BJP हाईकमान के बीच का है, इसे राजस्थान की जनता क्यों भुगते। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा करके भी PM मोदी ने इसे लागू नहीं किया। इसलिए मैंने कहा, राजस्थान रिफाइनरी आ रही है शानदार, पिछली गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी, उसको नुकसान हुआ। बताइए, पिछली गवर्नमेंट पता नहीं, हम उनकी योजना बंद नहीं करते हैं। ERCP को हम लोग डर के आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र हमारे दवा बनाए हुए है, मध्य प्रदेश भड़का करके पानी के मंत्री राजस्थान के ही है। 2011 प्रधानमंत्री जी का जयपुर के अंदर अजमेर में नेशनल परेड बनाएंगे, राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, बना नहीं रहे। और मध्य प्रदेश भड़का के सुप्रीम कोर्ट भेजे हमारे खिलाफ में, हमारे नौजवान बांध बन रहा है, चेपन बांध हमने अभी घोषणा करी है चेपन बांधों की, उसके खिलाफ में मध्य प्रदेश गया सुप्रीम कोर्ट में, गया हमारे खिलाफ में। आप बताइए, आप घोषणा आपकी पार्टी की सरकार वसुंधरा राजे की घोषणा, हमारी सरकार बनी, हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब खुश होना चाहिए था, आपने मन कितनी योजना बंद करी, नहीं खुश नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। झगड़ा उनके अपर के अंदर है, वसुंधरा जी का हो जाए उनके हाईकमान को, हमें मतलब नहीं उससे, पर वो हमें क्यों दुख दे रहे हैं। झगड़ा आपका भुगते राजस्थान, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा, पहले घोषणा को चुनाव के बाद भुला दिया जाता था। जब मैं पहली बार CM बना तो मैंने पहल की, पहली बार मैंने मैनिफेस्टो की कॉपी कैबिनेट में रखी, मुख्य सचिव से कहा कि ये हमारा घोषणा पत्र है, इसके लिखे शब्दों के हिसाब से गवर्नेंस और फैसले होंगे, ये वादे हैं, ये लागू होंगे, जो वादे किए हैं वो निभाए जाएंगे। मुझे मालूम है 30 नहीं आ रहा है, 28 भी आएगा बाद में 30 आएगा, पहले 28 आएगा, ये 28 आएगा, पहले 23 28 उसके बाद में आएगा 30 आएगा। मैंने कहा, उस पर कौन किस पार्टी सरकार होगी, किस पार्टी सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसी को नहीं मालूम है, ये जनता माई बाप है। पर आप वर्तमान सरकार की ड्यूटी बनती है वो क्या गवर्नेंस दे, शासन करे, कैसा करे। आपको शायद मालूम होगा कि 25 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बनाए आप लोगों ने मुझे, तो पहली बार मैंने पहल करी देश के अंदर, मैनिफेस्टो जो होता था खाली निवेदन था, ना जनता पढ़ती थी उसको, ना राजनीतिक कार्यक्रम ध्यान देते थे, जीतने के बाद में भूल जाते थे। मैंने पहल करी, पहली बार 98 के अंदर मैंने मैनिफेस्टो कॉपी लेके गया पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी को, ये मैनिफेस्टो हमने वादे किए जनता से, वादे करो मत, कर दो निभाओ। मिशन 2030 के जरिए CM अशोक गहलोत को अगली पीढ़ी के लिए सोचने वाले और विकास का एजेंडा लेकर चलने वाले नेता की छवि बनाने का प्रयास किया, तो वहीं अभियान की 2 महीने से लगातार आक्रामक ब्रांडिंग रही। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले विजन दस्तावेज तैयार हुआ है और इसका विमोचन किया गया। बहरहाल ये भी तय है कि इस पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल में काम शुरू नहीं हो पाएगा, तो वहीं विजन के विमोचन की टाइमिंग को लेकर BJP ने भी सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पेथड़ा।